हेलो स्टूडेंट्स क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर टेन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बच्चों आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर टेन को एक्सप्लेन कराएंगे जिसमें हमें सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको सेल साइकिल कि सेल साइकिल होता क्या है ठीक है बच्चों चलिए फर्स्ट पॉइंट इट इज़ द लाइफ पीरियड ऑफ ए सेल ड्यूरिंग विच सेल सिंथेसाइज डी एन ए रेप्लीकेशन भाई ये एक लाइफ का वो समय होता है वो पीरियड होता है जिसमें जो सेल्स होती हैं वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती हैं यानी कि डी एन ए रेप्लीकेट होना शुरू हो जाता है डी एन ए ग्रोथ करना शुरू कर देता है और टू डोटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है नेक्स्ट सेल साइकिल हैज़ टू बेसिक फेज सेल साइकिल की टू बेसिक फेज होती है एक होती है इंटरफेज एक होती है एम फेज तो सबसे पहले हम इंटरफेज के बारे में पढ़ेंगे इंटरफेज क्या होती है इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज जो आपकी इंटरफेज होती है इसमें दो फेज दो एम फेज होती हैं और एम फेज में क्या होता है इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन और एम फेज में वास्तव में जो डिवीजन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है यानी कि माइटोसिस सेकेंड पॉइंट है इंटरफेज का इट इंक्लूड सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस इसमें क्या होता है इसमें सेल ग्रोथ होती है और डीएनए का सिंथेसिस होता है नेक्स्ट एम फेज एम फेज इंक्लूड्स टू टू टाइप्स का डिवीजन होता है इसमें एक होता है कैरियोकाइनेसिस एक होता है साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस में क्या होता है साइटोकाइनेसिस में होता है कि जो डिवीजन होता है किसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है यानी कि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा अब जो हमारी इंटरफेज़ है इसमें एक जीवन फेज स्टार्ट जीवन फेज इंक्लूड होती है एक एस फेज और एक जी टू फेज़ इंक्लूड होती हैं आगे आता है जो हमारा सेल साइकिल बना हुआ है वो एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो इस सर्कल बना हुआ है इसमें एम फेज़ दिखाई गई है जी ज़ीरो फेज़ दिखाई गई है जी वन फेज़ है एक एस फेज है एक जी टू फेज़ है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे

जी जीरो में ठीक है इसीलिए इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है और इनको क्यूजेंट स्टेज भी कहा जाता है नेक्स्ट स्टेज आप हमारी आती है जीवन स्टेज जीवन में क्या होता है भाई जी ज़ीरो से जो सेल्स होती हैं वो एंटर कर जाती है जीवन फेज में जहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं यानी कि कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल नेक्स्ट पॉइंट सेल बिकम्स मेटाबॉलिक एक्टिव और ये जो सेल्स होती हैं ये एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर प्रिपेयर मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसाइज आर एंड प्रोटीन्स इसमें क्या होता है आर और प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है नेक्स्ट फेज़ आती है हमारी एस फेज एस फेज में क्या होता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज पर ये जो फेज़ होती है ये सबसे लंबी फेज़ होती है डी एन ए रेप्लीकेशन टिक्स प्लेस और डी एन ए का जो रेप्लीकेशन होता है वो होना यहाँ पर शुरू हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट अमाउंट ऑफ डी एन ए पर सेल डबल और इसमें क्या होता है डी एन ए का जो अमाउंट होता है वो पर सेल में डबल हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज लेकिन जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते तो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी जी टू फेज़ जी टू फेज़ में क्या होता है सेकेंड ग्रोथ फेज़ ये क्या होती है ये सेल्स ग्रोथ की सेकेंड फेज़ होती है यानी कि सेकेंड ग्रोथ होती है इसमें इस फेज़ में नेक्स्ट पॉइंट सेल ग्रोथ कंटिन्यू और जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती हैं सिंथेसाइज सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन कंटिन्यू और आरएनए और प्रोटीन्स जो होता है वो कंटिन्यू सिंथेसिस होता रहता है नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है सेल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस और इस फेज़ में जो हमारी सेल्स होती हैं वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं यानी कि प्रिपेयर हो जाती हैं नेक्स्ट फेज थी हमारी जो मेटा फेज थी यानी कि एम फेज थी इसमें हमारी फोर स्टेजेस इंक्लूड होती हैं फर्स्ट स्टेज प्रोफेज सेकेंड स्टेज मेटाफेज थर्ड स्टेज एनाफेज एंड फोर्थ स्टेज टीलोफेज यहाँ तक ये बच्चों आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया था कि किस में कौन कौन सी स्टेज प्रजेंट होती हैं आगे आ जाइए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस यानी कि जो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा अकर्स इन सोमेटिक सेल भाई सबसे पहले जो माइटोसिस होता है माइटोसिस में, तो में होता क्या है सबसे पहले तो ये सुनिए कि माइटोसिस में होता क्या है ठीक है ये जो माइटोसिस होता है ये लाइफ पीरियड होता है सेल्स का और इसमें जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं और ग्रोथ जो शुरू करती हैं और लास्ट में ये टू डॉटर सेल्स बनाती हैं किस में माइटोसिस में ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि माइटोसिस में टू डॉटर सेल्स बनती हैं और मियोसिस में फोर डॉटर सेल्स बनती हैं ठीक है अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इन सोमेटिक सेल्स भाई सोमेटिक सेल्स प्रजेंट होती हैं इसमें ठीक है आगे ऑल्सो कार्ड एज इक्वेशनल डिविजन एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजनी सेज इज़ सेम भाई इसमें क्या होता है सबसे पहले तो ये जो डिविज़न होता है इसे इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है इक्वेशनल डिविज़न कहा जाता है जिसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो बिल पेरेंट के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनके ही सेम जैसे प्रोजनी तैयार होती है यानी कि प्रोजनी सेल्स तैयार होती हैं यानी कि न्यू डोटर सेल्स बिल्कुल पेरेंट क्रोमोसोम जैसी ही प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट आता है इंक्लूड्स फ़ोर स्टेजेस भाई इनमें फ़ोर स्टेज इंक्लूड होती हैं फर्स्ट प्रोफेज है सेकंड मेटाफेज़ है थर्ड एनाफेज है और फोर्थ टीलोफेज़ है आपके सामने जो डायग्राम बने हुए हैं इन डायग्राम्स में आप देख भी रहे होंगे कि जो सबसे पहली हमारी प्रोफेज स्टेज है उसमें क्या है ये जो क्रोमो ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम्स होते हैं क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं ये बिल्कुल एक उलझी हुई स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रही हैं आपको ठीक है फिर धीरे धीरे मैटाफेज में ये अलग अलग पोल पर जाना शुरू कर देते हैं एनाफोज फेज़ में ये पूरी तरीके से चले जाते हैं और टीलो फेज में क्या होता है ये अलग हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाइए हमारी जो प्रोफेज़ है यानी कि माइटोसिस की हमारी जो फर्स्ट स्टेज आती है प्रोफेज अब प्रोफेज स्टेज में होता क्या है अब चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज यानी कि जो हमारी माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज है यानी कि प्रोफेज उसमें कुछ इवेंट्स प्रजेंट होते हैं सबसे पहला पॉइंट है इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं कंडेंस्ड यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं प्रोफेज में वो उलझी हुई स्ट्रक्चर में होते हैं कैसे होते हैं उलझी हुई स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं सेकेंड इज स्पाइंडल एपरेटस असेंबल्स और फिर धीरे धीरे क्या होता है ये जो क्रोमोसोम्स uh, होते हैं ये खुलना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल फॉर्मिंग स्पाइंडल अप्रेटस फिर क्या होता है थर्ड पॉइंट में इस जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं अपोजिट पोल पर जो क्या बनाते हैं स्पाइंडल अप्रेटस बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट है एस्टर्स रेडियल एरे ऑफ माइक्रोट्यूबल्स इन एनिमल्स नॉट प्लांट्स यानी कि इसमें क्या होता है एक किरणों की तरह ये ट्यूबल्स के बने हुए होते हैं और ये एनिमल्स में होता है प्लांट सेल्स में इस तरह नहीं होता ठीक है आगे आता है न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन और फिर बाद में जब ये अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और जो इनकी किरणें होती हैं जो मतलब एक किरणों की तरह होती हैं ये टूटना शुरू हो जाती हैं तब न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है वो टूट जाता है यानी कि टूटना शुरू हो जाता है न्यूक्लियर एनवलप जो न्यूक्लियर की बाहर वाली जो लेयर होती है वो भी टूटनी शुरू हो जाती है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारी फर्स्ट स्टेज आती है कौन सी मैटाफे सेकेंड स्टेज आती है हमारी मेटाफेज अब मेटाफेज में क्या होता है फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज भाई मेटाफेज में भी आपके कुछ इवेंट्स होते हैं सबसे पहले इसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है मेटाफेज में क्या होता है इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है वो एक सीधी मेटाफेज प्लेट बनाना शुरू कर देते हैं जो एक सीध में जाती है क्रोमोसोम्स आप देख रहे होंगे इसमें जो येलो कलर का जो डायग्राम बना हुआ है ठीक है उसमें क्या हो रहा है कि इनके ये एक क्रोमोसोम्स जो होते हैं इन्होंने एक प्लेट बना ली है ठीक है और जो मैंने बताया था जो स्पाइंडल एपरेटस होते हैं वो ये डोटेड जो लाइनें बनी हुई हैं ये आपकी क्या है स्पाइंडल एपरेटस हैं और दोनों ये अपोजिट पोल पर जो लगे हुए ये यहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं अलग अलग फेज में ठीक है बच्चों नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी एना फेज एना फेज में क्या होता है बिगिनस वैन सेंट्रो मेयर स्प्लिट और इनका आपने देखा को जो मेटाफेज है मेटाफेज में जो ये बीच वाले क्रोमोसोम बने हुए हैं यानी कि एक सीधी प्लेट में जो बने हुए हैं इन क्रोमोसोम्स के बीच में सेंट्रोमियर प्रजेंट होता है क्या होता है सेंट्रोमियर प्रजेंट होता है जो कि एनाफेज स्टेज में ये सेंट्रोमियर अलग होना शुरू हो जाते हैं यानी कि जो स्पाइंडल एपरेटस होते हैं स्पाइंडल एपरेटस होते हैं वो अपोजिट पोल पर इनको खींचते हैं आप देख रहे होंगे जो डायग्राम जो क्रोमोसोम पहले जुड़े हुए थे अब वो क्रोमोसोम अलग अलग अपोजिट पोल पर यानी कि अपोजिट पोल्स पर जाना शुरू कर देते हैं ठीक है अब आगे आता है इसमें हमारी टीलो फेज टीलो फेज में क्या होता है इसमें भी कुछ इवेंट्स हैं फर्स्ट स्पाइंडल एपरेटस डिससेम्बल्ड न्यूक्लियर एनवल्प फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अब क्या होता है जो स्पाइंडल एपरेटस होते हैं वो धीरे धीरे क्या होना शुरू कर दे वो गायब होना शुरू कर देते हैं और जो न्यूक्लियर एनवल्प होते हैं तो उनके पास में ही एक न्यूक्लियर एनवल्प बनना शुरू हो जाता है प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेट पर यानी कि जहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड प्रजेंट थे वहाँ पर एक न्यूक्लियर एनवलप की फॉर्म के रूप में ये बनना शुरू हो जाते हैं आगे आता है क्रोमोसोम्स बिगिंस टू तो अनकोली न्यूक्लियर न्यूक्लियस रिएपियर्स इन ईच न्यू न्यूक्लियस अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं न्यूक्लियस दोबारा से एक नए न्यूक्लियोलस के बनने के रूप में अब जब वो दोबारा से न्यू नु, नया न्यूक्लियस बनता है ठीक है और नया न्यूक्लियोलस बनता है प्रत्येक न्यूक्लियस में ठीक है आगे आ जाइए साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस क्या होता है ठीक है इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ये भी क्या होता है एक डिवीजन है साइटोप्लाज्म का जिसमें क्या होता है देखिए एक आपने उसमें पढ़ा था माइटोसिस में कि दो आ, दो तरीके के डिवीज़न होते एक साइटोकाइनेसिस होता है एक कैरियोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है साइटोकाइनेसिस में तो साइटोप्लाज्मा तो तो डिवाइड होगा और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है ठीक तो है तो जो साइटोकाइनेसिस है इट इज़ अ डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्मा यानी कि इसमें साइटोप्लाज्मा डिवाइड होना, होना शुरू हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसमें टू डॉटर सेल्स बनती हैं आगे इट स्टार्ट्स व्हेन टीलो इज़ इन प्रोग्रेस और जो आ, हमारी टीलो फेज होती है उस फेज में ये प्रोग्रेस करना आगे को बढ़ना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आता है क्लीवेज ऑफ द सेल इनटू इक्वल हाफ्स अब ये जो सेल्स होती है यानी कि जो हमारी टीलो फेज थी उसमें क्या होता है कि जो इनके क्लीवेज होते हैं वो दो हाफ हाफ भागों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं एनिमल सेल में क्या होता है एनिमल सेल्स स्ट्रक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट प्रोड्यूस ए क्लीवेज फोरो इसमें क्या होता है जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं ठीक है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक क्लीवेज फोरो को मतलब एक प्लेट बनने प्लेट बन जाती है इसमें आगे प्लांट सेल्स में क्या होता है सेल प्लेट फॉर्म्स बिटवीन द न्यूक् जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें जो सेल प्लेट बनती है वो एक न्यूक्लियाई के बीच में यानी कि जो दोनों न्यूक्लियाई बने हुए हैं हमारे न्यू न्यूक्लियाई बने हुए थे तो उनके बीच में एक सेल प्लेट की फॉर्म में बनती हुई दिखाई देती है आपको यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। एक इसमें एनिमल सेल का है एक इसमें प्लांट सेल का है जो ग्रीन कलर का है वो प्लांट सेल का बना हुआ है इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक सेल प्लेट डोटेड लाइन बनी हुई है जिसको सेल प्लेट कहा जाता है और एनिमल सेल में क्या होता है जिस तरीके से आपको ये डायग्राम दिखे हुए हैं इनके क्लीवेज जो है बन मतलब अलग अलग ये बीच से खुल क्या कहते हैं उसको बीच से खींचना शुरू हो जाती हैं ठीक है थीके? दोनों ही फिलामेंट एक दूसरे से फिर इसमें ये टू डॉटर सेल्स बन जाती हैं नेक्स्ट आता है हमारा इसकी जो माइटोसिस होता है इसकी कुछ हमारी सिग्निफिकेंस दी हुई हैं फर्स्ट प्रोड्यूज डोटर सेल्स विद आइडेंटिकल जीनोम भाई इनमें क्या होता है डोटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं बिल्कुल एक जैसी जीनोम से आगे रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल सोमेटिक सेल्स भाई जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं नेक्स्ट आता है रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाजमिक रेशो दैट डिस्टर्बड ड्यू टू सेल ग्रोथ इसमें क्या होता है जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है कब कब होता है जब सेल ग्रोथ होती है जब सेल ग्रोथ करना शुरू होती है ठीक है हेल्प्स इन सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है सेल को रिपेयर करने में और सेल को रिप्लेसमेंट करने में बच्चों ये आपका माइटोसिस था ठीक है और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी मियोसिस की आएगी मियोसिस भी टू टाइप्स का यानी कि मियोसिस जो होता है वो टू पार्ट्स में कंप्लीट होता है तो ये आपकी म्यो म्योसिस थी माइटोसिस था और ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ठीक है और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं ओके बच्चों थैंक यू सो मच